बैक टू माई चैनल बालाजी फैशन बुटीक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पेपुलम जो टॉप होता है उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों। ये हमारे पास फैब्रिक है, पौन मीटर के समथिंग है, इसका आरा जाता है, आप समझ लीजिए 1 मीटर कपड़े में समथिंग हो जाएगा। इसकी जो नाप डाल लेते हैं, सबसे पहले हम इसका जो नाप है वो 32 इंच है और इसकी कमर 28 इंच है और चेस्ट है 34 इंच। साइड से इधर से बंद है, इसको इस टाइप से, जैसा कि हमारा चेस्ट है 34 इंच, तो चेस्ट के हिसाब से हम इसको जितना हमें चाहिए उतना इसको मोड़ लेंगे। चेस्ट 34 इंच यानी कि इसको चौथा हिस्सा हो जाए 8.5, और इसमें हमें आगे को 2 इंच मार्जिन चाहिए, तो 9.5 10.5, 10.5 इंच के हिसाब से हम इस पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर आ रहा है 10.5 इंच, ठीक है, 10.5 इंच का निशान लगा लेंगे। जैसा कि मैंने बताया है 32 इंच इसकी टॉप की लेंथ है, इसमें चोली लगती है, तो चोली जो जो लंबाई है वो 13 इंच की है, तो इसमें हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे और चोली की लंबाई है 13 इंच, 14 इंच रखेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, ये जो है जिसका नाप है उसके शोल्डर इतने ज़्यादा नहीं है, डीप नेक नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, आप 6.5 इंच तीरा रखेंगे, लगभग सूट हो चाहे कुछ भी हो आप 6.5 तीरा रखें, बिल्कुल आपका परफेक्ट बैठेगा। 6.5 इंच तीरा रख लेंगे, चूँकि ये स्लीवलेस है तो स्लीवलेस के हिसाब से हम यहाँ पर भी इसको 6.5 इंच ही रखेंगे। 6.5 इंच तीरा रखा, 6.5 इंच हमने इसका नीचे को आर्मोल लग दिया। यहाँ पर हम 6.5 की जगह 6 पर निशान लगाएंगे अंदर की तरफ और इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। अब हम इसका नाप देख लेते हैं। नाप जो है इसका 34 इंच है, तो 8.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे और 8.5 पर ही यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाएंगे अंदर वाले मुड्ढे के लिए, ठीक, बाहर वाले के लिए हम 0.5 इंच रखेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये दोनों पल्ले एक साथ काटे थे, तो मैं इसमें जो है मैंने बैक वाले निशान पर काटे हैं। अब मैं इसका ये पल्ला ये वाला बाहर निकाल देता हूँ और इसमें जो है फ्रंट वाले पल्ले के हिसाब से इसमें मुड्ढा काट लेंगे, ठीक, ये हमने काट लिया। तो हमारा क्या कहते हैं, दोनों की दोनों चीज़ कट गई हैं, फ्रंट की चोली कट गई है और बैक की चोली कट गई। अब नीचे का हम पार्ट काटेंगे। नीचे वाला पार्ट जो होता है वो हमारा, इस वेस्ट फैब्रिक को मैं काट देता हूँ, वो हमें काटना होता है उरेप में, जैसे कि हम स्कर्ट टाइप काटते हैं। तो ये हमारा खुला वाला हिस्सा मेरे इधर की तरफ है, इसको मैं इस टाइप से ट्रायंगल शेप में मोड़ लूँगा। ठीक, ट्रायंगल शेप में मोड़ने के बाद
आप देख सकते हैं कि कमर जो है हमारी वो 28 इंच है, तो 28 इंच का चौथा हिस्सा हो जाएगा 7 इंच। तो 7 इंच के हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगाए, देखिए 7 आ रहा है, 7 में थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, आप एक्स्ट्रा ही रखें। पहले आप अंदाजे से ऐसे निशान लगा लें 7.5 इंच। अब यहाँ पर रखेंगे आप इंची टेप को, ये आ रहा है आपका यहाँ पर 9 इंच। इसे घुमाते जाएंगे, ये 9 इंच आ गया। अब हमें चोली काटनी, चोली का हमने काट रखी है 13 इंच की, तो 13 इंच के हिसाब से यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ पर जी टेप को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हमें रखनी है 32 इंच, तो 32 इंच के हिसाब से यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। थोड़ा ही कम आ रहा है पर एडजस्ट हो जाएगा इतना, इसमें 32 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये वाला पल्ला हमारा छोटा आ रहा है, अब हमें पूरा करना है इसको। हमारे पास जो बचा हुआ फैब्रिक बचा था, तो दोस्तों देखिए मैंने ये नीचे, चूँकि कपड़ा कम है इसलिए यहाँ पर एक जोड़ ये रख लिया है, एक ये रख लिया है, और इसके नीचे जो ये वाला, ये वाली जो कम वाला कपड़ा है, इस कम वाले कपड़े के नीचे मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे की आगे की तरफ खिसका के इसको कपड़े को इसके नीचे रख लिया है। और रखने के बाद यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। अब मैं इसकी आपको स्टिचिंग बताऊँगा, इसके बारे में बाद में बताता हूँ मैं। ये हमारा फ्रंट का फैब्रिक है, इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ। इसमें डालेंगे हम प्रिंसेस कट। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि आपको बिना कटिंग कपड़े को काटे ऐसी प्रिंसेस कट का लुक आ जाएगा। कैसे आएगा, 3.5 इंच यहाँ पर निशान लगाएं, प्लेट्स का निशान लगाएं 9.5 इंच पर। ये वाला निशान हमारा इस टाइप से मुड्ढे का यहाँ पर ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था ना, तो इसको तो बिल्कुल सीधा कर दें और इसको जो है ऐसे करके इस टाइप से ये वाला जो है। अब इस पे सिलाई कैसे लगानी है आपको ये देख लेंगे। यहाँ पर इस टाइप से इसको पकड़ेंगे और इस टाइप से आप एक पैर की सिलाई लगाते चले जाएंगे और हल्का हल्का घुमा घुमा के यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। मैं सिलाई लगाने के बाद आपको दिखा देता हूँ कैसे लगानी है सिलाई। सिलाई डाल दी है, इस टाइप से इसमें सिलाई लगानी है आपको, इस टाइप से। ठीक है, अब हम इसके नेक की कटिंग कर लेते हैं। नेक जो रखेंगे हम 3 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और 6 इंच हम इसकी ब्रॉड रखेंगे। ठीक है, इसका बॉक्स बना लेंगे। ठीक, अब इसी टाइप से हम बैक का काट लेंगे। इसमें बैक का नेक जो है कंधे इसके बराबर नाप लेंगे। इसका नेक आप पीछे का छोटा काटेंगे, मैं लगभग 3 इंच का काट ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि गले को बनाना कैसे है। ये मेरे पास अस्तर का पीस है, ये देखिए उरेब वाला हिस्सा है जो खिंचता है उसको उरेब वाला हिस्सा कहते हैं।
इसकी हम पट्टी काट लेंगे लगभग डेढ़ डेढ़ इंच चौड़ी। पट्टी काटने के बाद आपको क्या करना है, इस टाइप से इसके पहले कंधे जोड़ लेंगे, ये वाला कंधा जोड़ लेंगे, ये वाला कंधा भी रहने देंगे, और इसको जोड़ने के बाद जो है आपको इस टाइप से यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेनी है, गले पर भी और मुड्ढे पर भी। तो सिलाई लगाने के बाद दिखा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों देखिए मैंने इसमें किस टाइप से पट्टी लगाई है, ये इस टाइप से। अब इसमें आपको क्या करना है, इस पट्टी में जो है यहाँ पर हल्के हल्के कट डाल देंगे, पूरे में। अब कट डालने के बाद आप इसको जो है इस टाइप से मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये पट्टी लगा ली है, एक कंधा मैंने जोड़ रखा था। इसके बाद आप क्या कर रहा है, यहाँ पर इस टाइप से इसको मोड़ करके या तो आप तुरपाई कर लीजिए या आप यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए, ठीक है। और सिलाई लगाने के बाद हम इस टाइप से इस कंधे को भी जोड़ देंगे। जैसे पट्टी हमने यहाँ पर गले में लगाई है वैसे ही मुड्ढे में लगानी है, पूरा प्रोसीजर सेम ऐसे ही करना है हमें। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर इसको फारस पट्टी जिसे बोलते हैं उसे दोनों आर्मोल को भी कर लिया है, गले को भी कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। फिटिंग जो है उसकी 34 इंच चेस्ट है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे बीचों बीच बिल्कुल निशान 17 इंच पर, और कमर है हमारे 28 इंच, कमर पर भी हम लगा लेंगे बीच में बिल्कुल निशान लगा के 28 इंच। इन दोनों पे सिर्फ फिटिंग करने के बाद ये देखिए मैंने जॉइंट जो था वो मैंने जॉइंट जो था वो कर लिया है। ये उरेप में दो पैनल आए थे इस टाइप से, इसको आपको क्या करना है, इसको दोनों तरफ से 28 इंच यानी कि 14 इंच पर आप एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ 28 इंच की माप के अनुसार। तो दोस्तों देखिए नीचे वाले पैनल पर सिलाई लगा ली है मैंने, ये ऊपर वाला हिस्सा है चोली वाला हिस्सा, इसको आप सीधा कर लेंगे इस टाइप से। सीधा करने के बाद इसको आपको उल्टा ही रहने देना है, और इसको इसके अंदर डाल देंगे इस टाइप से। और ये वाला जो बीच साइड वाला जोड़ है और जो चोली का साइड वाला जोड़ है, इस जोड़ को इसके ऊपर रख देंगे। साइड से और रखने के बाद यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। तो मैंने इसमें बीच में सिलाई लगा ली है, इसको हम उल्टा कर लेंगे इस टाइप से आपका इसका कुछ लुक आएगा। नीचे आप चाहे तो पीको करवा सकते हैं, चाहे सिलाई लगा सकते हैं, जो आपका मन करे उस टाइप से इसको कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के लिए गुड बाय।